तो कहानी की शुरुआत में डेसू को दिखाते हैं जो एक आम आदमी है और दारू पी के भंड हो रखा है। ज्यादा ही नशे में होने की वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, इसी खुशी में डेसू दारू के नशे में झूम रहा था। पुलिस स्टेशन में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कोरिया की पुलिस थी इसलिए बच गया। इंडिया की पुलिस होती तो डेसू को भंगड़ा करवा देती। वो तो शुक्र है कि उसका दोस्त जो हुआन सही वक्त पर आ गया और उसने डेसू की बेल करा दी। फिर घर जाते हुए डेसू अचानक गायब हो जाता है और उसके पीछे रह गया सिर्फ उसकी बेटी का तोहफा जो वो उसके बर्थडे के लिए लाया था। अब डेसू की आँख खुली तो उसने देखा कि वो एक होटल रूम में बंद है जहाँ पर ना तो खिड़की है और ना ही कोई इंसान जो उसे बता सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके लिए हमेशा छोटे से रास्ते से खाना आता और टाइम टाइम पे रूम के अंदर बेहोश करने वाली गैस भी छोड़ी जाती ताकि उसके बाल काटे जा सके और उसे साफ करके उसके कपड़े बदले जा सके। बाहर की दुनिया के बारे में जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, टीवी। एक दिन उसने टीवी पर देखा कि उसकी बीवी का कत्ल हो चुका है और क्राइम सीन पर पुलिस को डेसू के फिंगरप्रिंट और ब्लड सैंपल मिले हैं जिससे डेसू अपनी बीवी के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट बन गया। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि कितनी आसानी से क्राइम सीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है और जो असली क्रिमिनल्स हैं उन्हें बचाया जा सकता है। यही आज की डेट में कोलकाता वाले केस में भी हो रहा है। सीमन की क्वांटिटी से साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने गलत काम किया है, लेकिन पकड़ा गया सिर्फ एक, वो भी बड़े कैजुअल ढंग से। इस केस के लिए आप भी सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहिए ताकि इस बार सही में जस्टिस देखने को मिले। नाउ बैक टू द स्टोरी। ये सब खबर देखने के बाद डेसू को हेलुसिनेशंस होने लगे। उसने इस सब से तंग आके खुद को मारने की भी कोशिश की लेकिन उसे हर बार बचा लिया जाता। बिना मांगे ही रिवाइव मिल रहा था भाई को। अब वो इस सब से थक चुका था इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद को संभालेगा और उन लोगों को ढूंढेगा जो उसे कैद करने के पीछे हो सकते हैं। उसने जर्नलिंग करना शुरू किया और उन सबके नाम लिखे जो उसके साथ ऐसा कर सकते थे। फिर डेसू ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी ताकि अगर वो कभी यहाँ से बाहर निकला तो उन लोगों से बदला ले सके। वो एक मेटल की चॉपस्टिक से दीवार में छेद करने की भी कोशिश कर रहा था। ऐसा करते करते उसे 6 साल हो गए और फाइनली वो रूम की एक ईंट को हटाने में कामयाब हुआ। फिर उसने वहाँ से अपना हाथ बाहर निकाला और इतने सालों बाद उसने पहली बार बारिश को महसूस किया। अब उसने यहाँ से भागने का पूरा प्लान बना लिया था। एक दिन रूम में गैस छोड़ दी गई और वो होल को छुपाने से पहले ही बेहोश हो गया। फिर बेहोशी की हालत में उसे लाल कपड़े पहने एक औरत दिखती है जो उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। फिर 15 साल बाद उसे एक सूटकेस में बंद करके किसी बिल्डिंग की छत पर छोड़ दिया गया जहां पहले एक आदमी अपनी बिल्ली के साथ मौजूद था। शुरू शुरू में डेसू को सूरज की रोशनी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। फिर वो उस अनजान आदमी के पास पहुंच गया और उसके हाथों को चूमने लगा ये कहते हुए कि इतने सालों बाद आज कोई दूसरा इंसान देखा है। इस पर उस अनजान शख्स ने कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं एक शैतान हूँ, फिर भी क्या मुझे जीने का हक नहीं है। ये कहते ही वो पीछे गिर गया लेकिन डेसू ने उसकी टाई पकड़ ली और कहा कि तुम्हें मरने से पहले मेरी रामकथा सुननी होगी। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद डेसू उसे वहीं अकेला छोड़ के नीचे आ गया और उस आदमी ने सेल्फ हैप्पीनेस कर ली। डेसू को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो बस ये सोच रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी उसे ध्यान आया कि वो अभी भी अपनी वाइफ के मर्डर के लिए प्राइम सस्पेक्ट है इसलिए उसे रिश्तेदारों के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। फिर एक बेघर आदमी उसे सेल फोन देता है और नोटों से भरा हुआ वॉलेट और कहता है कि मेरे से कुछ पूछना मत क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, जैसा मुझे कहा गया मैंने वैसा ही किया। इसके बाद डेसू भूख मिटाने के लिए सुशी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ की सर्वर यानी कि खाना देने वाली लड़की उसने एक टीवी शो पर भी देखी थी कुकिंग कॉन्टेस्ट में। तभी उस सेल फोन पर किसी अजनबी का कॉल आया और उसने डेसू से पूछा कि इस बड़ी जेल में आके कैसा लग रहा है। उस अजनबी ने डेसू से कहा कि अगर वो जानना चाहता है कि उसे इतने साल तक रूम में बंद करके क्यों रखा गया तो इसका जवाब ढूंढने के लिए तुम्हें अपना अतीत खंगालना होगा। फिर अजनबी ने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद डेसू ने खाने के लिए कुछ ज़िंदा चीज़ मंगवाई तो सर्वर उसके लिए ऑक्टोपस ले आई और डेसू से ऐसे ही खा गया। ऑक्टोपस को खाते ही भाई साहब बेहोश हो गए और जब उसकी आँख खुली तो वो सर्वर के अपार्टमेंट में था।
सर्वर ने अपना नाम बताया मीडो। बाथरूम के अंदर वो चाकू लेके जाती है और अंदर जाने से पहले उसने कहा कि दरवाजे में लॉक नहीं है, इसलिए अंदर मत आना। हालांकि 15 साल का भरा हुआ डेसू मीडो के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वो तो उसने चाकू का पिछला हिस्सा मार के उसे अपने से दूर किया। फिर मीडो ने कहा कि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो भी इस सब के लिए तैयार नहीं है। डेसू ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को ढूंढेगा। मीडो भी इस काम में उसकी मदद कर रही थी। उन्होंने एक दो जगह से पता करने की भी कोशिश की कि उसकी वाइफ की मौत के बाद उसकी बेटी को किसने अडॉप्ट किया। हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर डेसू ने प्लान चेंज कर दिया और अब पहले वो उस शख्स को ढूंढेगा जिसने उसके साथ ये सब किया है। इसके बाद ये दोनों वापस रूम में आ गए जहां मीडो एवरग्रीन नाम के बंदे से चैट कर रही थी। एवरग्रीन ने चैट में डेसू से पूछा कि बड़ी जेल में आके कैसा लग रहा है डेसू। डेसू समझ गया कि ये वही बंदा है जिसने उसको 15 सालों तक कैद करके रखा। अब उसे मीडो पर भी शक हो रहा था क्योंकि वो एवरग्रीन से बात कर रही थी। हालांकि मीडो को एवरग्रीन से बात करते हुए सिर्फ 2-3 दिन ही हुए थे। इसके बावजूद भी डेसू को लगा कि वो मीडो पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गया जहाँ का खाना खा के उसे ध्यान आया कि होटल रूम में वो सेम ही खाना खाया करता था। फिर वो ये पता करके कि खाना कहाँ से सप्लाई होता है एक बिल्डिंग में पहुँच गया, मिस्टर पार्क की बिल्डिंग में। मिस्टर पार्क इस बिल्डिंग में एक अनोखी तरह की जेल चलाता था जहाँ पर वो क्लाइंट से पैसे लेता और क्लाइंट जिसे भी कैद करवाना चाहता उसे कैद करके रखता। डेसू ने उससे सच निकलवाने के लिए पहले तो उसका दांत बाहर खींचा, तब मिस्टर पार्क ने बताया कि तुम्हें कैद करवाने वाले से कभी उसने पर्सनली बात नहीं की। हालांकि उनके बीच फ़ोन पे बात हुई थी जिसकी रिकॉर्डिंग मिस्टर पार्क के पास थी और उसने वो रिकॉर्डिंग डेसू को दे दी। फिर डेसू यहाँ से बाहर जाने लगा, लेकिन बाहर तो मिस्टर पार्क के गुंडों का पूरा झुंड उसका इंतज़ार कर रहा था। डेसू ने बिना किसी हथियार के ही सिर्फ अपने हाथों से उन सबको खूब धोया। उसकी भी धुलाई हुई, लेकिन फिर भी वो अकेला सबको धोने में कामयाब रहा। लड़ाई के बाद उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो रास्ते में चलते चलते बेहोश हो गया। तभी एक अजनबी उसे संभालता है और टैक्सी में बैठाता है। उस अजनबी ने टैक्सी वाले को उसे किसी जगह पर छोड़ने के लिए कहा। फिर उसने डेसू को अपना चेहरा दिखाया और कहा कि इस बड़ी जेल में कैसा लग रहा है डेसू। हाँ, यही है एवरग्रीन जिसने डेसू को किडनैप करवाया था। डेसू चाहकर भी उसे पकड़ नहीं सका क्योंकि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। फिर वापस मीडो के अपार्टमेंट में आने के बाद डेसू ने वो टेप सुनी जो पार्क ने उसे दी थी। उसमें एवरग्रीन पार्क से इस बारे में ही बात कर रहा था कि डेसू की कैद कितनी लंबी होनी चाहिए और अगर उसे बीच में स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो उसे कौन कौन सी दवाई देनी है। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें वो सब दिखने लगता है जो असलियत में है ही नहीं। जिन लोगों को भगवान और भूत दिखते हैं एक्चुअल में उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। कॉल रिकॉर्डिंग में मिस्टर पार्क ने एवरग्रीन से डेसू की सज़ा का कारण पूछा। इस पे एवरग्रीन ने कहा कि डेसू बोलता बहुत है। फिर डेसू ने अपने दोस्त जूहान को कॉन्टेक्ट किया और उसे एवरग्रीन की आवाज़ सुनाई, मगर वो भी उसकी आवाज़ नहीं पहचान पाया। जो हुआन ने एवरग्रीन के बारे में ऑनलाइन पता करने की कोशिश की, हालांकि कुछ मिला नहीं। गुस्से में डेसू मीडो के पास जाता है और उसे टॉर्चर करता है एवरग्रीन के बारे में जानने के लिए, लेकिन मीडो को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी जो हुआन का फ़ोन आया जिसने एवरग्रीन का आईपी एड्रेस ट्रैक करके उसका पता निकाल लिया था। एवरग्रीन उनके ठीक सामने वाली बिल्डिंग में रुका हुआ था। डेसू तुरंत वहाँ पहुँच गया। एवरग्रीन वहाँ अपने बॉडीगार्ड मिस्टर हान के साथ था। एवरग्रीन ने कहा कि वो अगले 5 दिन में मीडो को मार डालेगा अगर डेसू अपनी सज़ा के पीछे का मकसद नहीं ढूंढ पाया तो। एवरग्रीन ने यह भी कहा कि अगर डेसू कामयाब हुआ ये पता लगाने में कि उसे सज़ा क्यों मिली तो एवरग्रीन खुद की जान ले लेगा। डेसू ने उस पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। एवरग्रीन ने कहा कि अगर वो मर गया तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसे इतने सालों तक कैद करके क्यों रखा गया। एवरग्रीन ने उसे अपने सीने में लगा हुआ पेसमेकर भी दिखाया और कहा कि अगर तुमने मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की तो मैं रिमोट से अपना पेसमेकर बंद कर दूंगा। एवरग्रीन ने उसे याद दिलाया कि वो मीडो को बेड से बांध के छोड़ आया है।
वो भी दरवाजे को खुला छोड़कर। फिर जब डेसू वापस पहुंचा तो वहां मिस्टर पार्क और उसके आदमी मीडो को टॉर्चर कर रहे थे। फिर मिस्टर पार्क ने डेसू का दांत निकालने की कोशिश की, तभी उसके पास एवरग्रीन का फोन आया और अगले ही पल बॉडीगार्ड नोटों से भरे बैग के साथ यहाँ पर आ पहुँचा। मिस्टर पार्क पैसे लेके यहाँ से जाने के लिए मान गया। तभी डेसू ने कहा कि पार्क ने जो मीडो के साथ किया है उसके लिए वो पार्क का हाथ काट देगा। इसके बाद मीडो डेसू के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो गई। उन दोनों ने साथ में अच्छा वक्त बिताया। तभी उनके रूम में बेहोश करने वाली गैस छोड़ दी गई और जब उन्हें होश आया तो वहाँ पे एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था जिसमें मिस्टर पार्क का हाथ था। डेसू समझ गया कि एवरग्रीन ने उन्हें ट्रैक करने के लिए कोई डिवाइस लगा रखा है, इसलिए वो उस डिवाइस को निकलवाने पहुँचता है। फिर वे दोनों जो हुआन के इंटरनेट कैफे पहुँचे जहाँ उन्हें पता चला कि एवरग्रीन डेसू के स्कूल वाले बैच का नाम था। इसके बाद डेसू अपने पुराने स्कूल पहुँचा जहाँ उसे 1979 की क्लास में ली वूजिन नाम का लड़का मिला, वही था एवरग्रीन। डेसू ने अपने दोस्त जो हुआन से ली वूजिन के बारे में पूछा तो उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर डेसू ने सुहा नाम की लड़की के बारे में पूछा तो जो हुआन ने बताया कि डेसू के दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होते ही सुहा मर गई थी। उसके दोस्त ने बताया कि सुहा एक नंबर की बदचलन लड़की थी। ली वूजिन भी वहीं हुआन के कैफे में बैठा हुआ था। सुहा के बारे में ऐसा सुन के उसे गुस्सा आ गया और उसने जो हुआन को जान से मार डाला और कहा कि मेरी बहन बदचलन नहीं थी। इसके बाद डेसू और मीडो मिस्टर पार्क के पास जाते हैं ये सोचकर कि ली वूजिन यानी कि एवरग्रीन ने उसका हाथ काट दिया था तो वो वूजिन के खिलाफ उनकी मदद करेगा। उसने मीडो को वहीं छोड़ दिया क्योंकि मिस्टर पार्क ने उससे वादा किया कि मीडो यहाँ सेफ रहेगी। फिर वो सवालों के जवाब ढूंढने पुराने दोस्तों के पास पहुँचा जहाँ उसे पता चला कि उसके स्कूल ट्रांसफ़र लेने के बाद जो हुआन ने सुहा के बारे में बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए। तभी डेसू को ध्यान आया कि उसने सुहा और वूजिन को इंटीमेट होते हुए देख लिया था और ये बात उसने स्कूल छोड़ने से ठीक पहले जो हुआन को बता दी थी। फिर वो वूजिन के छोड़े सुरागों का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गया और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि अगर उसने हिप्नोसिस की मदद लेके उसकी स्कूल वाली यादें ना मिटाई होती तो उसे सब याद रहता। इस पर वूजिन ने कहा कि उसने उसकी स्कूल वाली कोई याद नहीं मिटाई, वो बस खुद ही सब भूल गया क्योंकि वो सब डेसू के लिए मायने नहीं रखता था। सुहा की प्रेग्नेंट होने वाली अफवाह इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि वो सच में खुद को प्रेग्नेंट समझने लगी थी। इन अफवाहों के फैलने का जिम्मेदार वूजिन ने डेसू को ठहराया। हालांकि डेसू ने उल्टा वूजिन पे उंगली उठाते हुए कहा कि तुमने खुद अपनी बहन को मार डाला ताकि तुम बदनामी से बच सको, लेकिन वूजिन ने उसका इल्ज़ाम मानने से इनकार कर दिया। वूजिन ने बताया कि उसने हिप्नोसिस इसलिए करवाया ताकि तुम और मीडो मिल सके। हिप्नोसिस की मदद से ही डेसू उसी सुशी रेस्टोरेंट गया जहाँ पर मीडो काम करती थी। फिर उसने डेसू को एक एल्बम दिखाई जिसमें डेसू उसकी बीवी और बेटी थी। जैसे जैसे डेसू ने पन्ने पलटे उसकी बेटी बड़ी होने लगी और वो कोई और नहीं बल्कि मीडो ही थी। सच्चाई जानने के बाद डेसू पूरी तरह से टूट गया। वो अपनी बेटी के साथ ये सब कर रहा था। उसने गुस्से में वूजिन पर हमला कर दिया लेकिन बॉडीगार्ड बीच में आ गया। हालांकि डेसू ने बॉडीगार्ड को बुरी तरह से जख्मी कर दिया फिर भी बॉडीगार्ड उसे छोड़ ही नहीं रहा था, जिसके चलते वूजिन ने खुद ही अपने बॉडीगार्ड को मार डाला। इसके बाद वूजिन ने बताया कि मिस्टर पार्क अभी भी उसी के लिए काम कर रहा है और ये एल्बम मीडो के पास भी पहुँच चुकी है। ये जानने के बाद डेसू उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा कि मीडो को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। उसने वूजिन को मनाने के लिए अपनी जीभ तक काट ली, जिसके बाद वूजिन उसकी बात मान गया और उसने फ़ोन करके पार्क से कहा कि उस गिफ्ट बॉक्स को बंद ही रहने दो। फिर वूजिन अपने पेसमेकर का रिमोट डेसू को देके वहाँ से जाने लगा तो डेसू ने बटन दबा दिया जिससे वहाँ रिकॉर्डिंग प्ले हो गई, जब डेसू और मीडो फिजिकल हुए थे उसकी रिकॉर्डिंग। इसके बाद वूजिन वो पल याद करता है जब उसकी बहन सुहा जान देने वाली थी और उसने सुहा को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी अंत में उससे हाथ छूट ही गया और सुहा हमेशा के लिए चली गई।
तो वूजिन ने खुद को ख़त्म कर लिया जैसा कि उसने वादा किया था। इसके बाद हम सर्दियों का मौसम देखते हैं जहां डेसू ने हिप्नोटाइज करने वाली दीदी को सारी कहानी लिख के बताई। आखिर में उसने ये लिख रखा था कि माना कि मैं एक शैतान से कम नहीं, पर क्या मुझे जीने का हक भी नहीं। इस लाइन से हिप्नोटिस वाली दीदी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई और हिप्नोसिस की मदद से उसने डेसू के अंदर दो पर्सनैलिटी क्रिएट कर दी। एक तो वो जो मीडो के बारे में सच नहीं जानता और दूसरी पर्सनैलिटी वो जो सच जानता है। हिप्नोसिस ने कहा कि सच जानने वाला मॉन्स्टर एक एक कदम दूर जाएगा और हर कदम उसके लिए एक साल के बराबर होगा और 40-50 कदम के बाद वो मर जाएगा। रह जाएगा तो सिर्फ वो डेसू जो सच्चाई से अनजान है, जैसे कि मीडो अनजान है। फिर डेसू की आँख खुली तो मीडो वहाँ पर आ गई और उसने डेसू को आई लव यू बोलते हुए गले से लगा लिया। डेसू पहले तो मुस्कुराया, फिर उसकी मुस्कुराहट दर्द और दुख से भर गई। इसी मोमेंट पर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है, हमें इस उलझन में छोड़कर कि क्या अब भी डेसू को सच्चाई पता है या वो झूठ के सहारे एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा। चलिए, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।